मैं सैयद नजफ अली की बीवी बात कर रही हूँ। साहब देखो, तो मेरे को आप लोगों से इंसाफ होना, मेरा शौहर जसमा मेरे शौहर की जान ले लिए इन लोग, और इन बाजबता बोल लिया अम्मा नामा बोलिए उन लोगों के। ये जसमा इसमें शुजात नवाब का हाथ है, और जसमा इसमें फैसल नवाब, और उनका ड्राइवर अरुण पांडे नाम है उसका, और ये कंडा शकील भी नाम दुश्मनी थी इन लोगों से दुश्मनी। नवाब जसमा सुल्तान सोसाइटी का बड़ा केस कराए उनसे, करा के बहुत कुछ दे तो। ये कब का है, कौन से साल का है अम्मा? ये साल तो याद नहीं है, 16 साल 17 साल की बात है ये, जब एक घर दिलाए, काम कराए, जफर जावेद का 308 सेवन कराए मेरे शोहर से, और जैसे माँ उनको जिंदगी भर पालते बोले थे, 4 घड़ा दिलाता हूँ, हर चीज करता हूँ। कौन बोले थे अम्मा ये बात? ये सुजात नवाब फैसल नवाब बोले थे, एक घर दिलाए हमारे को। उसके तो बाद आपको शक किसके ऊपर है अम्मा? मेरे को शक सुजात नवाब फैसल नवाब और कंडा शकील, और जैसे ये क्या बोलते अरुण पांडे बाजाबता मेरे को फोन करके 6 महीने पहले अरुण पांडे मेरे को फोन करा, जो आपको फोन करे थे आपको मेरे को फोन करके शुजात नवाब का ये ड्राइवर है, इन्हें मेरे को बोला कि देखो भाभी नजफ जसमा ऐसा पैसा ऐसा शुजात नवाब को फोन आ करके फैसल नवाब को फोन आ करके गालियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, ये शुजात क्या साहब के पास शुजात नवाब साहब के पास क्या पैसा नहीं है? कौन फोन करे थे आपको? मेरे को अरुण पांडे जो शुजात नवाब का ड्राइवर है उन्हें करके बाजाबता ये बोला, देखो नजफ जसमा ऐसा पब्लिक सिटी कर रहे हैं, नवाब साहब की इज्जत निकाल रहे हैं कि मैं शुजात नवाब को मारता हूँ, उन्होंने मेरे साथ धोखा करे, गालियाँ दिए, वो दिए बोल के बोले, तो अरुण पांडे बोला देखो शुजात नवाब मेरे को नजफ की बीवी को ये बोलो बोले कि नजफ को जसमा ये रोक दो, बोलो पब्लिक सिटी नको, हम आपको गालियाँ दे रहा, हम हमारे कहीं इतना पैसा है कि पैसा दे के बाजाबता जसमा नजफ की मुंडी निकाल देते, ये नजफ की बीवी को बोलो बोल के मेरे को फोन करके ये अरुण पांडे बोला। तो मैं जब बोला देखो शुजात नवाब साहब बोले थे कि नजफ जब केस कराए थे सुल्तान उलूम सोसाइटी का, जो जफर जावेद का 307 कराए थे, तो इन्हों विटनेस थे, इन्हों बोले इनको इतना देता हूँ, बल्कि उन्होंने धोखा दे दिए नवाबा धोखा दिए, तो धोखा कहीं को दे रहे मेरे को पैसा दे रहे, मैं तो अपोजिशन पार्टी जफर जावेद उनसे इन्हों मैं मिल लेता हूँ, मैं विटनेस बन जाता हूँ, तुम लोगों को सजा दिलाता हूँ बोल के बोले थे नजर सैयद नजफ अली बोले थे कि विटनेस मैं जफर जावेद का बोल देते बोले थे जी जफर जावेद का मैं विटनेस बन जाऊंगा, तुम लोग मेरे को धोखा दिए तो धोखा दे के उन लोगों से मिल गया तो तू जी सकेगा क्या? हम नजफ अली तेरी हम मुंडी निकाल देते। ये जैसे अरुण पांडे मेरे को फोन करके बाजाबता जा ये ना ये बोलो, और तो ये लोग किसी को ऑफर दिए बोल रहे हैं क्या अम्मा? ये कौन इन्वॉल्वमेंट है, किसको दिए ये? इसमें जसमा हमको असालत प्रिंस उन्होंने भी 6 महीने पहले नवाब से बात नको करो, और जमा फैसल नवाब से नको करो, सुजात नवाब से नको करो अम्मा, हम तुम नजफ को बोलो मेरे से भी बात करे थे उन लगा कि असालत प्रिंस है, चोरा है, सो ये सब कि ये बोले नको बात करो अम्मा, 2 महीने का टाइम दियो, हम अब शुजात नवाब कहने तो अब नहीं है, अगर हम तुम्हारे उसको फोन नको करो, फैसल नवाब को नको करो, हम बीच में आ रहे तो तुम्हारे को क्या होना बोले तो नजफ अली बोले थे देखो मैं परेशान हूँ। तो एक ही जने बात करे थे, कोई और भी बात करे थे? बात करके ये असालत प्रिंस जो है मेरे से भी बात करके, अम्मा तुम मेरी बेटी है, मैं जसमा 2 महीने में तुम लोगों को 20 लाख रुपए नवाब शुजात नवाब से दिलाता हूँ, रहन का घर ले लो। कौन बोले थे अम्मा? कौन बोले थे? ये जसमा असालत प्रिंस ये चोरा बोले थे। तो हम 2 महीने रुक गए थे, चलो अम्मा बोले बेटी बोले नजफ को भाई बेटा बोले बड़े बड़े वास्ते मौला के रसूल के वास्ते दे के ऐसा करे, फिर उसके बाद फोना असालत 2 महीने होते फोना नहीं उठाए मेरे को नहीं मालूम बोल दिए, फिर उसके बाद फैसल को फोन पे क्या फैसल भाई पैसे नहीं दिए वो नहीं दिए कब देते वादे करके मुकरते ये अच्छा नहीं होगा वो ये बोल के फैसल नवाब से नजब फोनों पे बात करे, तो उसके बाद कंडा शकील को लिए कंडा शकील भी है माँ कंडा शकील फैसल नवाब की तरफ से मैं आ रहा हूँ नजब मैं आ रहा हूँ मेरा बड़ा भाई है तुम बीच में उनको डरा रहे धमका रहे नहीं धमकाना नहीं तो अच्छा नहीं होगा मैं बीच में आ रहा हूँ मुंडी कटा देते तुम्हारी मुंडी काट देते बोले कौन बोले अम्मा ये कंडा शकील बोले तो उन्होंने बोले कि नहीं कहाँ फोन पे बोले थे आपको हाँ फोनों पे हमारे शौहर को बोले मैं बाजू की बैठे हुआ था इन लगा बोल के और जब से नवाब 6 महीने से नौकर से बोलने लगा रहा जिसका नाम अरुण है अरुण बाजाबता मेरे से डायरेक्ट बात करके बोला
नजर को बोलो आप सबको बदनाम नको करो, बोलो इतना पैसा है खाली नजर मारता हूँ बोल रहा, हम पैसा देके नजर की मुंडी कटा तो आप देते। आप हुकूमत से क्या चाह रहे मेरी अम्मा? बस मेरे को इंसाफ होना, जो मेरा मरा सुल्तान उलूम सोसाइटी का 7,000 करोड़ का जो केस करके दिए है उन लोगों को, वो ट्रायल पे लाने भी नहीं दे रहे थे, उन ट्रायल पे आते रोक दे रहे थे, तो मैं कितने साल ये केस के पीछे फिर हूँ, मेरे को 17 साल हो गया, मैं चपला घस दे रहा हूँ, ट्रायल पे केस नहीं ला रहे। कौन बोले थे ये बात? ये नजफ अली बोले थे, जल्दी ट्रायल पे लाओ, जज को रिक्वेस्ट कर रहे थे, वकीलों को रिक्वेस्ट कर रहे थे ट्रायल पे लाओ, जैसा केस ये ट्रायल पे आ रहा सुजात नवाब फैसल नवाब पैसा दे के कोर्ट में पैसा खर्च करके केस रोक रहे, केस रोकने की शुरू उस वजह से वहाँ केस रोक रहे, नहीं तो मैं जफर जाओ इससे मिल ले तो अपोजिशन से गवाही दे दे तो तुम लोगों को सजा होती। अभी इस वक्त पुलिस वाले आप लोगों को कॉपरेट कर रहे हैं? चंद पुलिस वाले कॉपरेट करने वाले चंद ऐसे हैं जो नवाब से बिक चुके हैं, जो हमारा साथ नहीं दे रहे। ओके और हम